स्वागत है आपका इस इवेंट में। आज अपन बात करेंगे बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैच नंबर 6 जो कि खेला जाएगा फॉर्च्यून वर्सेज कोलकाता टाइगर्स के बीच। तो इस मैच के लिए कौन होगा हमारी मेगा ग्रैंड लीग के लिए ट्रम्पल, जिससे कि 1 लाख रुपए विन कर सकते। साथ में जानेंगे पिच रिपोर्ट और इस वेन्यू पे मैचों को जानेंगे किस प्रकार का स्कोरिंग पैटर्न यहाँ पे रहने वाला है। साथ में पेसर को विकेट मिलेंगे, स्पिन, वो सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ में बताने वाला हूँ मेगा ग्रैंड लीग के लिए बेहतरीन ट्रम्पल, बहुत से ऐसे लोकल प्लेयर है बांग्लादेश के जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाले हैं, तो बहुत से हाई परसेंट प्लेयर्स लोगों ने ले रखे हैं जिनके आज गेम में फ्लॉप होने के चांस बन रहे हैं। तो सब कुछ मैं बताऊंगा कौन से प्लेयर को आपको ड्रॉप करना है, हाई परसेंट को, लोअर सिलेक्शन परसेंटेज प्लेयर किस प्रकार से आपको पिक करना है। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं पिच की तरफ, मैच खेला जाएगा शेर ए बांग्ला नेशनल स्टेडियम मीरपुर ढाका में, बहुत ही शानदार ये मैदान। यहाँ देखो जो मैच हुई 121/10 के नुकसान में, जिसको कोलकाता टाइगर्स टीम चेज कर जाते हैं। 10 विकेट पेसर को मिल रहे, 6 विकेट मिल रहे स्पिनर भाई। 121 में भी सामने वाली टीम के 6 विकेट जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ देखो आप 134 पे नो, जिसको ब्रिसेल की टीम चेंज कर जाती है। 5 विकेट पेसर को मिलता है, 9 विकेट मिलता है स्पिनर को। स्लाइट 177 पे 2 बनाती है भाई, ये बड़ा स्कोर बनाता है इस गेम में। और सामने चित्तौड़गढ़ चैलेंजर ने स्कोर को चेंज कर रही है, 3 विकेट पेसर को मिल रहा है, 2 विकेट मिल रहे हैं स्पिनर को। कोमिला विक्टोरियंस 143 पे है, जिसको डीडी की टीम चेंज कर रही है, 7 विकेट पेसर को मिल रहे हैं, 7 विकेट पेसर को, 4 विकेट मिले स्पिनर। तो देखो जैसे जैसे आप गेम आगे बढ़ते जा रहे हैं, पिच आपको स्लो नजर आएगी शेर ए बांग्ला स्टेडियम की, क्योंकि हमेशा से ऐसे अपने इंटरनेशनल मैच भी काफी यहाँ पे कवर किए हैं, ठीक है। तो इस वेन्यू पे ये होता है। अब जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेंगे, जैसे जो सुबह का मैच चल रहा है उसमें पिच काफी स्लो है, और अब ये मैच इसमें भी पिच आपको स्लो नजर आएगी। तो स्पिनर्स आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बनने वाले हैं, कौन से स्पिनर आपको लेने, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ देखो आप एफबीए की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाले, तमिम इकबाल के साथ ओपनिंग करेंगे जात्रा, उसके बाद मेहंदी हसन मिराज, सोमय सरकार, शोएब मलिक, मुस्फिकर रहीम, मोहम्मदुल्ला, तुनिक विला लगे, मोहम्मद इमरान और आर हसन आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा देखो पाकिस्तान की जो सीरीज है न्यूजीलैंड से वो पूरी हो चुकी, तो फखर जमान, अब्बास अफरीद शायद तक अगर इस मैच में उपलब्ध होते हैं तो इनमें से प्लेइंग 11 में खेलेगा, ठीक है। बाकी जो भी चैनल का मैच रिलेटेड जो भी अपडेट रहने वाले सब मैं बताने वाला आपको टेलीग्राम पे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है टेलीग्राम चैनल का, तो वहां से आप ज्वाइन जरूर करें। साथ में मेगा जेल के लिए बेहतरीन कॉम्बिनेशन भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तमिम इकबाल की बात करें, 7/73/13/44/35 भाई शानदार प्लेयर है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहने वाला है, हमेशा से अच्छा खेलता है और इस वेन्यू पे खेलने का काफी ज्यादा अनुभव है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रहेगा। इब्राहिम जादान की बात कर ले, 23/25/8/50/12 भाई लास्ट गेम एकदम से फ्लॉप हुआ था। तो ये ट्रैक जो है ये स्लो ट्रैक है, ठीक है। यहाँ पे देखो बांग्लादेश के प्लेयर आपको ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करके देंगे बजाय किसी और कंट्री के प्लेयर, हालांकि इब्राहिम जादरान भी अच्छा क्लास बैठ रहा है, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए हो सकता है। महेंद्र सिंह मिराज की बात करें, 28 रन 1 विकेट, 19/0/0, 20 रन 2 विकेट, लास्ट गेम में विकेटलेस रहा था, बैटिंग से भी कोई खास कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं था, लेकिन आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकता है, क्योंकि देखो ऊपर बैटिंग करने आ रहा है प्लस बॉलिंग भी बहुत ही शानदार करता है। सीवीसी की भी अच्छी पिक हो सकती है आपके लिए मेहंदी हसन मिराज को लेकर। सोम्य सरकार 169 बनाया था भाई न्यूजीलैंड में, उसके बाद से कोई बड़ी पारी नहीं आई है, तो थोड़ा सा रिस्की पिक रहेगा, बॉलिंग भी कम ही कर रहा है, ठीक है। शोएब मलिक की बात कर लेते हैं, 22 रन 1 विकेट, 54/10+1 विकेट, 64/17 रन 1 विकेट भाई, ये ठीक प्लेयर भाई हमेशा अच्छा खेलता है, ठीक ठाक से रन बनाता है, प्लस बॉलिंग भी करने वाला है, स्लो ट्रैक्स पे खेलने की काफी ज्यादा अनुभव इसको, काफी ऐसे पिचों पे ये खेला है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनेगा फिर से। मुस्फिकर रहीम की बात कर लेते हैं, 21/4/45/26+ विकेट कीपिंग भी करने वाला है मुस्फिकर रहीम, ठीक है, राइट हैंड बैटर है प्लस विकेट कीपर है। मोहम्मदुल्लाह की बात करते हैं, 20/56/22/32/19 नॉट आउट, और मोहम्मदुल्लाह ने लास्ट मैच अच्छा खेला है, अच्छा प्लेयर है मोहम्मदुल्लाह, ट्राई कर सकते हो, लेकिन काफी नीचे बैटिंग करने आ रहा है तो ये थोड़ा सा रिस्की आपके लिए हो सकता है बैटिंग ना आए। दुनित विलालगे की बात करें, 34 नॉट आउट 1 विकेट, 21/3 विकेट, 52 नॉट आउट 4 विकेट, 0 1 विकेट भाई, ये इंपॉर्टेंट बॉलर बन सकता है आपके लिए, बहुत ही शानदार बॉलर है, अच्छे विकेट निकालता है प्लस रन भी बना लेता है। खिलाद अहमद की बात करें, 3 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, जो लास्ट गेम में 4 विकेट निकाले थे, राइट आप मीडियम गेंदबाज है, काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। मोहम्मद इमरान की बात करें, इमरान 1 विकेट 6 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, 6 विकेट निकाल कर भाई लेफ्ट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाज है, ट्राई कर सकते हो। रकीबुल हसन को देखो आप, 36 रन 1 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स गेंदबाज है और यहाँ पे स्पिनर्स को 6 विकेट मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए रह सकता है, ठीक है। बाकी अगर फखर जमान और अफरीदी खेलते हैं तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनेंगे। बाकी टी इस्लाम
भाई फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे रिकॉर्ड है, बहुत अच्छी गेंदबाजी करता है लिस्ट ए क्रिकेट में भी, ठीक है। टी ट्वेंटी मैच काफी कम खेलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। बात करते हैं कुलेना टाइगर्स की, जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहेगी। अरिफुल हक के साथ ओपनिंग करेंगे इवन लुइस, उसके बाद शे हो, अबीब हुसैन, मेहंदी हसन जॉय, एच रहमान, फहीम अशरफ, नाशु मोहम्मद, ओसन थॉमस, एन इस्लाम और एम इस्लाम आपको खेलते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा धनंजय डिसलवा, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम, अगर इनमें से कोई प्लेयर उपलब्ध होगा तो वो प्लेइंग 11 में डायरेक्ट खेलने वाला भाई, बड़े प्लेयर, इंपॉर्टेंट प्लेयर बन सकते हैं आपके लिए, ठीक है। अब अरिफुल हक को देखो भाई, 33-43-2-37-19-9 कम लोग लेकर जा रहे हैं, ठीक है। रीजन लास्ट मैच में फ्लो हुआ, लेकिन देखो इन्हीं के होम ग्राउंड है, टीम का कैप्टन भी है, अच्छा प्लेयर है, ट्राई कर सकते हो। ज्यादा बड़ी पारी नहीं तो 34-35 रन की अच्छी पारी ये खेल सकता है, फिर से 30+ की पारी ये खेल जाएगा तो ड्रीम टीम का मेंबर बनेगा, प्लस विकेट कीपिंग भी करता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। इवन लुइस की बात करते हैं, 10-1-6-1-2-16 भाई फॉर्म एकदम से खराब है, स्लो पिच पे चलने के चांसेस कम है। शेओप की बात करते हैं भाई, शेओप वेस्ट इंडीज का बहुत ही शानदार प्लेयर है, 36-1-26-16-43 नॉट आउट, और लास्ट गेम में जरूर नो पे आउट हो गया, लेकिन अच्छा प्लेयर है ये, किसी भी कंडीशन में अच्छी बैटिंग करके दे सकता है टीम को, 30-35 रन करके दे सकता है, ठीक है। हालांकि स्लो ट्रैक जरूर रहेंगे यहाँ पे, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अफीब हुसैन की बात करें, 10 रन+3 विकेट, तो बॉलिंग कर जाएगा तो और भी इंपॉर्टेंट रहेगा, 38-1-14-26, अच्छा प्लेयर है वैसे तो, लेकिन आजकल इतना अच्छा फॉर्म रहा नहीं है, अब बीच में कभी कभी छोटी पारी खेलता है, बॉलिंग कम करता है आजकल, ठीक है, लेकिन ट्राई कर सकते हो। मेहंदी हसन जो है की बात करते हैं, 24 रन 1 विकेट, 112 1 विकेट, 54+1 विकेट, 16+0-39, ये इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा भाई, हो सकता है ऊपर भी आ जाए इनसे बैटिंग करने के लिए, अभी हुसैन से, ठीक है। एच रहमान की बात करें, 34-0-117-17-3, इसके भी रिकॉर्ड अच्छे हैं, लास्ट गेम अच्छा नहीं था, और यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनका लेवल थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ पे परफॉर्मेंस करना थोड़ा मुश्किल रहेगा एच रहमान के लिए। फहीम अशरफ की बात करते हैं, 40 रन 3 विकेट 3 विकेट 0 1 विकेट 15 नॉट आउट 3 विकेट, भाई इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए फिर से रहने वाले फहीम अशरफ। नाशु मोहम्मद, 1 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 2 विकेट 1 विकेट, भाई हर मैच में विकेट है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, ठीक है, प्लस बैटिंग भी कर लेता है, लेफ्ट हैंड बैटर है, ठीक है। ओसन थॉमस को देखो आप, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट और 2 विकेट, भाई ओसन थॉमस राइट आर्म फास्ट गेंदबाज, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है, ठीक है, हमेशा विकेट नहीं मिलते हैं लेकिन विकेट अच्छे भी निकालता है, बॉल फर्स्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकंड में आप ट्राई स्पिनर्स की तरफ रखेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। एन इस्लाम की बात कर लेते हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 और 4 विकेट निकाले थे भाई एम इस्लाम, 1 विकेट 1 विकेट 0 0 0, लास्ट तीनों मैच से विकेटलेस है, बॉलिंग अच्छी डाली थी, पूरे 4 ओवर डाले थे, 24 रन ही दिए थे, हो सकता है पहले बॉलिंग करे तो एक आध विकेट इसको मिल जाए, यहाँ से कोई खेलता है तो इंपॉर्टेंट प्लेयर बनेगा। बात कर लेते हैं मेगा ग्रेडिंग के, जो बेहतरीन पिक आपके लिए इस गेम में बनने वाले, इन प्लेयर का सिलेक्शन परसेंटेज आपको कम दिखेगा लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बनने वाले, मोहम्मद उल्ला, रकीबुल हसन, सौम्य सरकार, इधर से आपको कुलेना टाइगर की तरफ से नजर आएंगे अफीब हुसैन, एम इस्लाम और अरिफुल हक, जिनको प्लेयर काफी कम लेकर जा रहे हैं, इन प्लेयर को लोग काफी कम लेकर जा रहे हैं, क्यों लेकर जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पहले मैच में परफॉर्मेंस कम दिया, तो भाई किसी भी टूर्नामेंट में एक मैच के आधार पर आप प्लेयर्स का सिलेक्शन कम हो जाता है तो वैसे प्लेयर आपको पता है फिर अगले मैचों में अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। अब इन प्लेयर को किस प्रकार से आपको ट्राई करना है, सीवीसी किसे रखना है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, हर चीज आपको कवर की जा रही है साथ में अपने चैनल पर, यूए टी ट्वेंटी लीग और बीबीएल अपन कवर कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी लीग भी कवर कर रहे हैं, सारे मैच में आपको कवर करके दे रहा हूँ वुमेन्स के मैच के, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपके पास नोटिफिकेशन वीडियो का आता रहे, और बाकी लाइक कमेंट शेयर भी जरूर करें, ठीक है। अब देखो अगर फॉर्च्यून की टीम पहले बॉलिंग करती है उस कंडीशन में रकीबुल हसन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, सेकंड में फिर थोड़ी सी स्लो नजर आएगी तो इंपॉर्टेंट प्लेयर आपके लिए बन सकता है। बाकी सौम्य सरकार, मोहम्मदुल्ला में आप एक प्लेयर को ट्राई करो, दोनों को साथ मत करना क्योंकि अच्छे बैटर है दोनों, सौम्य सरकार को नंबर 4th पोजिशन पे रखा गया है तो सौम्य सरकार आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है, तो हो सकता है देखो बॉलिंग भी कर जाए, पहले तो बॉलिंग करता था, लास्ट कुछ मैच में तो बॉलिंग नहीं की है, हो सकता है बॉलिंग कर जाए। कुलेना टाइगर की बात करें अपन, अबीब हुसैन और एम इस्लाम, इसके अलावा अरिफुल हक, अरिफुल हक और अफीब हुसैन दोनों टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर रहे हैं, एक 4th पोजिशन पे एक ओपन कर रहा है, तो भाई दोनों प्लेयर में से एक प्लेयर आपको रखना है, जीएल के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बाकी एम इस्लाम को आप बॉल फर्स्ट में ट्राई करना, सेकंड में ट्राई मत करना, यहाँ से आपको 2 या 3 प्लेयर लोअर सिलेक्शन परसेंटेज वाले 100% ड्रीम टीम के मेंबर बनते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा इनको ट्राई किस प्रकार करना है ये समझ लो भाई, उस पे कर रहीम को लिया है और शे होप को मैंने यहाँ पे लिया, तमीम इकबाल, अरिफुल हक, तमीम इकबाल, अरिफुल हक को रखा है, ठीक है। मेहंदी हसन मेरा, फहीम अशरफ, सौम्य सरकार, दुनित विला लगे, शोएब मलिक, मेहंदी हसन मिराज, दुनित विला लगे और फहीम अशरफ, यहाँ मैंने रिस्क लिया है, ठीक है, फहीम अशरफ को मैंने रखा है, दुनित विला लगे को मैंने यहाँ पे रखा है, ठीक है।
एन अहमद खलाल अहमद खलील अहमद सॉरी एन इस्लाम और रकीबुल हसन को मैंने यहाँ पे रख लिया है। नाशुम अहमद ओशन थॉमस खलील अहमद और एन इस्लाम को मैंने यहाँ पे रखा है। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो भाई अगर फॉर्चून की टीम पहले बैटिंग करती है तो आप ट्राई कर सकते हो तमीम इकबाल को भी, ठीक है अच्छा प्लेयर है बड़ी पारी खेल सकते। बाकी मेहंदी हसन मेरा सबसे अच्छी पिक रहने वाला है कैप्टनसी का, ठीक है ये पहले बॉलिंग करे तो खलील अहमद को आप फिर से ट्राई कर सकते हो, दुनित विलालगे को भी इसी ट्राई कर सकते हो, और खुलेना टाइगर्स की तरफ से आपके लिए सीवीसी की अच्छी पिक रहेगा फहीम अशरफ, अच्छी बैटिंग करता है एक आध विकेट भी निकाल जाता है। बाकी वीसी के लिए आप एन इस्लाम या एन अहमद को ट्राई कर सकते हो क्योंकि बांग्लादेश के पिचों पर स्पिनर अच्छी चलती है। ठीक है दोस्तों वीडियो ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, धन्यवाद।